अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग व्यूवर्स? पाकिस्तान व्यूज के तमाम व्यूवर्स को सलाम आदाब। और 14th डे ऑफ रमजान, इतना जल्दी जल्दी रमजान गुजर रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। लेकिन जी, हमारी कोशिश डेफिनेटली है कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सामने एक ऐसे जो है वो मोतबर गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना थ्रू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के हर शोबे जिंदगी से। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने गेस्ट हम मुतारफ करवा सकें और उनसे जरा जान सके कि उनके फील्ड के चैलेंजेस क्या है। वैसे तो आज विफाक और सिंध हुकूमत आपस में ही लॉकडाउन के मामले पे काफी तजबजुब का शिकार नजर आ रही है और व्यूअर्स को भी काफी तजबजुब इस सिलसिले में हमें कुछ मैसेजेस वगैरह भी मौसूल हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज समथिंग अनदर डिबेट। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ प्रोफेशन से सवालात और उनसे रिलेटेड COVID-19 जिस ड्यूरेशन से हम गुजर रहे हैं, जो सूरत हाल हम सब फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या डिफिकल्टीज हैं वो हम आपके सामने रख सके। मेरे साथ हैं मौजूद मेरे को होस्ट मुदस्सर हुसैन एंड ऑफ कोर्स बैनर्स जी। आप देख चुके हैं बहुत सारे सवालात जो कि हमें ऑलरेडी आप लोगों की जानिब से आज बड़े ही मोतबर गेस्ट के लिए रिसीव हो चुके हैं। तो आई वुड नॉट टेक सो लॉन्ग टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। बेसिकली आज का हमारा मौजू है कि चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसके लिए हमने एक बहुत ही परफेक्ट सूटेड पर्सनैलिटी को आज के इस मौजू के हवाले से इन्वाइट किया है। सैयद इकबाल शाह, ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टोयोटा ईस्टर्न मोटर्स। थैंक यू सो मच सैयद इकबाल शाह साहब। माशाल्लाह डेफिनेटली जिस तरीके से हम सभी लॉकडाउन में महसूर हुए हुए हैं, वहां पर सब ज़ाहिर इस महदूद वसाइल के साथ भी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और इस बिजी रूटीन से बिजी लाइफ में भी रहते हुए आपने हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त निकाला। वी आर सो ऑनर्ड एंड आई वुड डेफिनेटली ओवर टू मुदस्सर for the most and I guess a better introduction of Iqbal Shah sahab. Ji, assalamu alaikum Pakistan viewers ke nazreen, kaise hain aap log? Khairiyat se hain? Ramzan ki bahut bahut mubarak baad, 14th roza hai aaj. Alhamdulillah hum mid of Ramzan mein aa chuke hain aur jaise Shireen ne arz kiya ki hamari khwahish aur koshish hoti hai ki aapko behtar se behtar mauzu pe aisi shakhsiyat ke sath aapko koi mulaqat karayi jaye, unse baat cheet karayi jaye jinke through hum bahut sari information ko le sake और आपको जोड़ सके मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि सैयद इकबाल शाह साहब, जो कि माशाल्लाह से एक बहुत रिनोन्ड बिजनेस पर्सन है कराची में, और टोयोटा ईस्टर्न मोटर कंपनी जो कि टोयोटा की गुलशन इकबाल ब्रांच है उसके ओनर हैं और उसको हेड करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और इनका एक बहुत लॉन्ग जर्नी है पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद इकबाल साहब मुझे करेक्ट भी करिएगा कि तकरीबन 3 दहाई यानी कि 3 डिकेड्स के साथ इनका ऑटोमोबाइल के साथ कनेक्शन है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे ऑटोमोबाइल जो है या कार जो है वो हमेशा एक फैमिली कार के तौर पर तस्वर किया जाता है। तो जब इनकी गाड़ी किसी के घर में पहुंचती है, टोयोटा की गाड़ी हो या किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, तो वो हमेशा एक पूरी फैमिली के लिए मुसर्रत लेके आती है, खुशियां लेके आती है। उसके अंदर फैमिली ट्रैवल करती है, इंसान अपनी माँ को अपने बाप को उस गाड़ी के अंदर बिठाता है, उनको मस्जिद लेके जाता है, उनको रिश्तेदारों से मुलाकात कराने के लिए लेके आते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल को असर नहीं करती, वो एक फैमिली कार की तरह आती है, और पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही गाड़ियों का एक ऐसा है कि जिसमें आप फैमिली को बिठा के कंफर्टेबल होकर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सकते। तो पाकिस्तान का एक ऐसा रिनोन ब्रांड, उसको हेड करना, उसको कराची के टोयोटा ईस्टर्न के साथ चलाना, और देन उसके साथ साथ जो है वो वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड का एक ऑटोमोबाइल का एक बहुत परफेक्ट ब्रांड है टोयोटा इटसेल्फ। तो बहुत लॉन्ग जर्नी है इनकी, बहुत पार्टनरशिप है, शराकत दारी है, और उसके साथ इनकी मेमोरीज भी बहुत सारी है। ओके जी, निदा जाना बासी, थैंक यू सो मच, आपका सलाम आया हमारे लिए। अच्छा जी इकबाल शाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि एक महीने पहले आपको इल्म में आया होगा कि चेयरमैन इंडस मोटर कंपनी जो है अली हबीब साहब, उनका इंतकाल हो गया। बड़ा एक सडन वाकया था और पूरे टोयोटा की फैमिली को उसने सोगवार कर दिया होगा। डेफिनेटली आपकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है, मुलाकातों का भी सिलसिला रहा है, बिजनेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड सारे आपके ताल्लुकात हैं। किस तरह से आप इस वाकये को देखते हैं इकबाल शाह साहब? माइक सर म्यूट हुआ है, ऑडियो ऑन कर लिएगा सर, ऑडियो आपकी ऑन। आई थिंक आप ब्लूटूथ रिमूव कर दें, शायद ब्लूटूथ की वजह से हो रहा है। ब्लूटूथ
आई गेस कि आवाज एक बार शाह साहब की नहीं पहुंच पा जी रही शाह ब्लूटूथ साहब की ब्लूटूथ आवाज हमारे पास इसलिए नहीं आ पा रही कि आई थिंक इनका ब्लूटूथ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। सर आप ब्लूटूथ को सेटिंग से आके ऑफ कर ले, सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी शिरीन, बस अभी जैसे ये कनेक्शन होता है तो इंशाल्लाह हम आते हैं। और आप बताइए शिरीन, कैसा आज आपके आपकी सहरी कैसी गुजरी आज? जी शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सही वाज प्रिटी गुड क्योंकि कल मेरा वीक ही ऑफ था सो बहुत अच्छा सारा बात है। टाइम मुझे अपने के लिए मिला कि मैं अपनी सहरी प्रिपेयर कर सकूं जो कि बहुत कम टाइम हमें मिल पा। जी 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 शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शाह साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आई आवाज थिंक आप अपने एयरपॉड जो है इसको रिमूव कर दीजिए, आप डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्शन में आ जाए ज्यादा बेहतर। ब्लूटूथ आप हटा दें वरना आप ना इसी कनेक्शन को रीज्वाइन कर लें शाह साहब, अगर आवाज का यही प्रॉब्लम है ब्लूटूथ के बगैर रीज्वाइन करें। लीव कर दें, यहाँ पे लीव का ऑप्शन है, लेफ्ट करके दोबारा आ जाए हमारे साथ। ओके जी जी ठीक सो मुदस्सर कल एक बहुत ही मेरा है, ख्याल है स्टूडेंट्स के लिए तो कल का दिन अगर स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाए तो गलत ना होगा क्योंकि उन्हें बड़ी खुशखबरी जो कि कल मौसूल हुई है कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं इस अकेडमिक ईयर के एंड दे वुड बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लास्ट ईयर एवेल्यूएशन। जाहिर है आप भी बीबीएसयू के एज अ फैकल्टी मेंबर के तौर पे एज ए टीचर के तौर पे हैं तो इस फैसले को आपने कैसे देखा? यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स तो के, बड़े जी खुश हैं। जी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इसके अंदर हैं कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनको भी जो है वो कॉल ऑफ एग्जाम्स कर दिया जाए और उसके बगैर उनको प्रमोट किया जाए। अच्छा जी, मशाल अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक्स फॉर कॉलिंग हिम ऑन द शो। इकबाल शाह साहब इज अ ग्रेट पर्सन, थैंक यू सो मच मशाल टू वॉच अस। इकबाल शाह साहब जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, बहुत ग्रेट पर्सन है और आप इसी तरह से शो को वॉच करते रहें और अभी इंशाल्लाह वो उनसे गुफ्तगू भी करेंगे तो शेयर भी करेंगे। जी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है? आप लोग आवाज आ रही है मेरी आपको जरा मैं कर रहे हो। जी बिल्कुल वाईफाई जी क्योंकि बिल्कुल वाईफाई भी लॉकडाउन में चल रहा है ना, सब भी लॉकडाउन में, हर चीज सुस्त हो गई लॉकडाउन में, लोग अब काम कैसे करेंगे। तो पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया और दूसरा है कि आपने जो चेयरमैन हमारे इंडस के अली हबीब अली अली हबीब साहब का है वो मेरे भाइयों की तरह थे, उनका इंतकाल लास्ट मंथ ही हुआ है और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस है। तो जो जो सुन रहे हैं देख रहे हैं तो अगर एक अदद अपना इसके लिए इनके लिए सूरह फातह और सूरह इखलास पढ़ ले तो उनके के लिए सारे सवाब होगा और उनकी फैमिली के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। बाकी रहा आपने जो एसोसिएशन का कहा है तो 30 साल 35 साल तो हमारे इंडस के साथ सिचुएशन है और जो ऑटोमोबाइल में मेरा 44 डिकेड हो गया क्योंकि मैं बचपन से अपने वालिद साहब इस कारोबार में लगा हूँ। और आपने जो कहा ना ये गाड़ी एक कारोबार नहीं है, कार बच्चे को भी जब गाड़ी बंगला, एक आपने बिल्कुल सही कहा था फैमिली के साथ लगाया था कि गाड़ी बंगला, इस पे गाने ही बने एक गाड़ी चाहिए एक बंगला चाहिए इस तरह का ना। तो कार एक फैमिली का एक हिस्सा है, कोई लग्जरी, हाँ बाद लोग लग्जरी के तौर पर रखते हैं अगर आपने, पहले तो नीड है, कुछ लोगों की नीड है ज्यादा की नीड है, कुछ की लग्जरी है। लग्जरी है कि आप उसमें करोड़ों की 5, 10, 20 करोड़ की गाड़ी रख लें, कुछ अरबियों ने हीरे लगा लिए उसके अंदर, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन गाड़ी एक जिंदगी की नीड है, ये इसमें कोई मतलब अय्याशी नहीं है, इट्स नॉट अय्याशी। सही सही सही। अच्छा सर, पिछले जब से मैं 2018 से देख रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉब्लम्स का शिकार है। पहले मैं आपसे पास के कुछ चैलेंजेस देख लूँ कि पास में क्या होता हुआ है, फिर मैं करंट कोरोना की तरफ आऊंगा कि कोरोना ने आपके बिजनेस को कितना बैडली इफेक्ट किया है और आप फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं। तो थोड़ा सा पास मुझे बता दें कि 2018 से जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी आई जिसके अंदर लोकलाइजेशन के इश्यूज थे, एक ये इम्पोर्टेड कार्स की तरफ भी लोग आए, इस सारी सूरत हाल में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स? देखिए चैलेंजेस ये है कि 2018 से एक तो सबसे बड़ा चैलेंज डॉलर है हमारे लिए, ठीक है। ये जो नॉन डीलर जो ये रिकंडीशन वाले जो बार बार एक दो नाम नहीं लूंगा खुद पहचान लेंगे, हर चैनल पे एक दोस्त है मेरा बैठा हुआ है, गाड़ी हमसे खरीदता है वो, लेकिन उसको एक तस्बीह पड़ी हुई है उसने कि वो ऑथराइज मैन्युफैक्चरर के पीछे लगा रहता है। उसको मेरा एक मैसेज है भाई कि डॉलर के हाथ में नहीं, जो प्राइस बढ़, एक जमाने में जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो डॉलर एक जगह खड़ा था, आप यकीन मानेंगे कि 7 या 6 5 साल तक हमारी को प्राइस नहीं पड़ी, वहीं पे रुका हुआ था।
जब तक डॉलर 2014 से लेकर 17 तक जब था, डॉलर रुका हुआ था, प्राइस नहीं बढ़ती थी, ठीक है। अब जो सडनली एकदम 100 रुपए से डॉलर 160 पे गया, फिर 168 पे गया, बीच में भी ये हुआ। रेट जब बढ़ेगा तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं। देखें, आप जो यहाँ चीजें बना रहे हो उसका सामान जो भी है, वेंडर की जो भी चीज बना रहे हैं, बाहर से आ रही है, रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है, उस पर ड्यूटी लगती है। रहा ये कि जो भी इस वक्त हम अगर 100 रुपए के है, 100 रुपए में परसेंटेज में 40% गवर्नमेंट का है, 40% गवर्नमेंट का है। और हम अगर नहीं होंगे, जैसे ये नॉन डीलर हमको कहते हैं जो रिकंडीशन वाले, ये दुकान पे एक आदमी लैपटॉप पे गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है। हमारी जो भी डीलरशिप है, जो बड़ी डीलरशिप है उसमें 250 से 300 लोग हैं, और जो छोटी डीलरशिप में 100 से 150 लोग हैं। पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला है, रोजी देने वाला अल्लाह है, आप और मैं नहीं दे सकते किसी को भी। जो बोलता है बकवास करता है, रोजी कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन आप वसीला बन जाते हैं। तो जो ऑथराइज डीलर है, चाहे वो टोयोटा के हैं, होंडा के हैं, सुजुकी के हैं, अभी किया आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चर आ रहे हैं, होंडा ही आ रहा है, ठीक है। तो वो पूरी फैमिली, और एक आदमी का मतलब एक आदमी नहीं, एक फैमिली है। इस वक्त हमारी ऑटोमोबाइल से, जो हम लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी है, हाँ, इस वक्त 30 लाख लोग इससे, 35 लाख लोग इन्वॉल्व हैं इससे। तो 35 लाख लोग का मतलब 35 लाख खानदान को अल्लाह पाल रहा है, फिर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं। रहा जो रिकंडीशन वाले, ये सब मेरे भाई हैं, मैं खुद इनके दोस्त हैं मेरे सारे, हम आपस में फैमिली टर्म्स हैं आपस में, किसी का कोई रिस्क नहीं खा सकता। लेकिन आपका भी जो, आप एक आदमी हो, अब जैसे अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन पे मैं आ जाता हूँ, तकरीबन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल मुदस्सर आप इजाजत हो, लॉकडाउन पे भी आ जाते हैं। ये लॉकडाउन पे ये जो नॉन डीलर है, ये आराम से बैठा है घर के ऊपर। एक आदमी था, एक सफाई वाला था, मरा कौन, हम जैसे लोग। मेरे इस वक्त दोनों डीलरशिप मिला के 300 के करीब एम्प्लॉय है, 320 से 315 है मेरे ख्याल से, और इसमें साथ मार्केट भी है, सुपर मार्केट 3500 के अंदर है। तो पहले तो मुझे अपनी फैमिली के अलावा 350-400 लोगों का ये ख्याल करना है। 2 महीने तो हमने निकाल दिए, अब आगे क्या होगा। अब सिंध गवर्नमेंट और पंजाब, अपना वफाक में पता नहीं क्या चल रहा है, कि पंजाब में हमारे जो ऑथराइज डीलर वर्कशॉप खुले में, हम बंद है, हमसे ना कोई बात कर रहा है ना हमें बात, मतलब ये कब तक ये चलेगा। एसओपी बोलते हैं, एसओपी बना के दें। मैं आपको अपना बताऊं मदर भाई, जो हमारी डीलरशिप है, जो ऑथराइज डीलरशिप टोयोटा होंडा सुजुकी की हमारी है, हमारे वर्कशॉप एक तो डिस्टेंस में है सारे, और इतने साफ हैं, इतने साफ के वो जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके घर से ज्यादा हम क्लीनिंग यहाँ पे देते हैं। हमने पूरा हाथ धोने का, खाने पीने का सारा सिस्टम रखा हुआ है। इस पर आप गवर्नमेंट सर्वे, इनको पता है कि ये बेहतरीन काम इनका हुआ हुआ है। ये तो आज आप एसओपी कर रहे हैं, हमारी एसओपी शुरू से लगी हुई है, लेकिन कोई बात तो करें, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कब तक चलेगा? इंडस मोटर हो गया, इंडस मोटर अब तक बंद है, आज हम दूसरे महीने बैठे हुए, और इससे जो रेवेन्यू आता है वो आपकी सोच होगी इसकी। अब समझ नहीं आ रहा कि ये हम किस चीज की सजा मिल रही है, क्या करना है। राम में अपने इंडस्ट्री में भी, जैसे हमारा टोयोटा में इस वक्त हर जगह किक बैक मिल रहा है, मतलब सॉरी किक बैक, ये अपना बेल आउट पैकेज के अंदर मेरे अपना, जैसे हमारे इंडस्ट्री ने डीलरों के लिए बेल आउट पैकेज इस तरह दिया, लेकिन एक सपोर्ट का किया है। तो मैं अपने इंडस्ट्री के बिहार पे दूसरे डीलरों के डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूँ कि अपने डीलरों को आप सहारा दो, क्योंकि हम अगर क्लैप्स हो गए तो पूरा सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा ये सारा। और रहा ये कि गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि आज डॉलर बढ़ा है 168 से फिर 160 हो गया है, तो हम तो लॉकडाउन हैं, बैठे हैं घरों में से, लेकिन डॉलर लॉकडाउन नहीं हुआ, ये प्राइस जो बढ़ी है इसी वजह से बढ़ती हैं। तो आप मेहरबानी करके जो भी इस वक्त अगर आप हमारे लोगों के साथ बैठते हैं, पामा जो हमारी है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसके साथ बैठ के आप ड्यूटी में भी कम करते हैं। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन को अपना दिया है, कंस्ट्रक्शन को आपने विदाउट पैकेज दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, तो इसी तरह हमारा करें। हाँ, जब आज आप एक आज हमारे साथ आप डॉलर का रेट तय कर लें और ड्यूटी में अपनी कमी कर दें, जब ये डॉलर का रेट वापस नीचे आता है आप अपनी ड्यूटी बढ़ा लें, जैसे आप पेट्रोल में करते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर हम एक चीज 20 लाख की बेचते थे, आप देखें कोरोला जो हमारी 20 लाख वाली थी वो अब 32 लाख की हो गई, तो कहां से आदमी बेचेगा और कहां से खरीदेगा। तो जरा सा आप सिलाई रहमी करें, जो अगर अरबाब सियार सुन रहे हैं, और हम बिजनेसमैन, हमारा किसी से कोई, हम पाकिस्तान के हैं, मैं अपना तो बोल सकता हूँ, मेरे अंदर पाकिस्तान है, मैं किसी ना पीटीआई ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, मैं किसी का नहीं हूँ भाई, मेरा पाकिस्तान है तो मैं हूँ। अगर ये बात किसी को बुरी लगती है तो ठीक है, आप मेहरबानी करके इस बिजनेस को ना तबाह करें, लोगों के बिजनेस को। और रहा हमारे बिजनेसमैनों के लिए भी एक है,
यह आफत आप लोगों के लिए एक सबक है सारे मेरे भाइयों। आप लोग पहले 2 से 2:30 बजे शोरूमों पे और दुकानदार दुकानों पे नहीं आते थे और जाते पहले 10 बजे से पहले नहीं थे। आज आप मिन्नतें कर रहे हो कि हमको 5 घंटे कारोबार करने दो। तो ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखा के गया है, लेकिन इसके खुलने के बाद लिल्ला आप इस पे कायम रहिएगा भाइयों, खासकर मेरे बिजनेसमैन भाई, क्योंकि ये जो 9-10 बजे से खुलने वाला काम था ये खत्म करना है। जैसे हुकूमत ने हम साथ हैं, आप टाइम कम कर दें, दिन कम कर दें जो भी है, लेकिन सैटरडे संडे जो है बंद कर रहे हो। हमारी गाड़ी के काम में सैटरडे बंद नहीं हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहा कि हम संडे भी खोलते थे क्योंकि कस्टमर हमारे जैसे मुदस्सर हो गए या आप हो गए, चलिए आप ऑफिस वर्क होता है संडे को आप फ्री होते हो, तो उनके लिए हमने प्रोवाइड किया हुआ था कि संडे ऑप्शन भी देते हैं सर्विस के लिए। सही, ये सारे मेरे गुजारिश थे, बाकी आप द्वारा पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली शाह साहब, जिस तरीके से आपने भी ये बात की कि कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा, तो डेफिनेटली ये वो चैलेंजेस है, ये वो पॉलिसीज है जिनका सही मुरतब होना बड़ा इस वक्त में जरूरी है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इस वक्त जरूरी है। क्या कहिएगा कि इस इंडस्ट्री के मसाइल को उतना ही नजरअंदाज किया जा रहा है, फ्यूचर में वो कौन सी ऐसे SOPs हैं जो मुरतब करके इसे स्टेबल होने में मदद दी जा सकती है? व्हाट्स योर सजेशंस, व्हाट्स योर टेक? देखिये, मैं अपना ऑथराइज डीलर की बात कर सकता हूँ कि कोरोना अगर नहीं भी आया था तो हम तो जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, जब मेरी डीलरशिप बनी थी तो हमें जापान ले जाया गया कि आप इस तरह का बनाओगे, तो शुरू में तो मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा ये और हम क्या काम कैसे होगा। आज अल्लाह का करम है कि जो कहीं डीलरशिप बनती है वो लाके हमारी डीलरशिप दिखाते हैं उनको कि आप टोयोटा की इस तरह की बनाओगे, तो कोई हमसे बात तो करे। आपकी SOP तो कुछ नहीं है भाई, हमारा आपसे बहुत बेहतर है। हमने तो मिनरल वाटर का प्लांट तक लगाया हुआ है अपने स्टाफ के लिए और वो घर पे लेके जाते हैं। मेरा जो स्टाफ है 250-300 का, वो पिछले 2 महीने से पानी नहीं पी पा रहा है क्योंकि जो गरीब जाता था वो अपने पानी लेके जाता था। तो आप गधे और घोड़े को एक चीज से ना हांगे, हमारे यहाँ डिस्टेंस भी है, सफाई भी है, सब कुछ है, कोई देखे तो सही। और मसले की मजे की बात यह है, पंजाब खुला हुआ है, क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पंजाब पाकिस्तान नहीं है तो मुझे बता दो, फ्रंटियर पाकिस्तान नहीं है तो बता दो, सिर्फ सिंध में। और मजे की बात है कि हमारा स्टैंडर्ड पंजाब और सरहद से अच्छा है कराची का, ये नहीं कि मेरे सब भाई हैं, वो बात नहीं कर रहा, लेकिन एक कुदरती बात है। थोड़ी सियासत भी तो करनी है ना, वो सियासत करे। मैंने कहा हमारा सियासत में वास्ता नहीं है श्री, मैं हमारा सियासत में कोई वास्ता नहीं है। एग्जैक्टली, काम करने दे, देखे काम करेंगे लोग, ये लोग आखिर में बेजार हो जाएंगे। ठीक है, कितनी देर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 महीने की देर, कब तक, कब तक? और मुझे तो ये हैरान हूँ कि आखिर जब हम 1-2 महीने बाद काम देंगे तो काम होगा कैसे लोगों से। सही। अच्छा शाहू, आपने एक बेल आउट पैकेज का हवाला दिया, मैंने सुना था कि कल या परसों में ट्विटर ने एक बेल आउट पैकेज दिया है, थोड़ा सा उसकी तफसीलात व्यूअर्स को बताइए। उसके अंदर वो वेंडर के लिए भी उन्होंने बेल आउट पैकेज दिया है और जो आपके डीलर्स हैं उनके लिए? नहीं, बेल आउट नहीं, वो तो हमारे इंटरनल मामला है, ये डीलर्स का और डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बोल रहा हूँ कि हम फैमिली हैं, इंडस और डीलर और वेंडर एक फैमिली है। तो बाकी सर सुजुकी वाले और होंडा वाले भी अपने डीलर से बात कर ले, हमारे इंटरनल मामला होता है। रहा ये कि अभी इस वक्त साफ करना है, जैसे आपका मीडिया व्यू है, मीडिया से भी आप तो खैर उस पर हो फेसबुक पे, लेकिन जैसे मीडिया से मेरी दोस्त है सारे, एक शिकायत है, आपने इसको इतना तूफान बनाया हुआ है, इतना तूफान कोरोना को, इतना डरा रहे हो लोगों को, खुदा का खौफ करो, बिकेगा हर चीज बिक रही है। देखें इस वक्त कोई चलते ना चले मीडिया चल रहा है, मीडिया कारोबार जिंदाबाद, एड भी मिल रहे हैं, जो एड आ रहे हैं आप मुफ्त में नहीं देते एड किसी को ना, तो इनका माल बिक रहा है। और रहा यह कि इतना अगर आपने आखिरी अजाब कब्र से डराया होता ना तो लोग मुसलमान पक्के हो जाते हैं। थोड़ा आप भी हल्का रखो, कोरोना के अलावा भी जिंदगी कुछ और है। मैं तो आप अगर 24 घंटे में लगाता हूँ, मेरे ख्याल से 3 घंटे के ऐड है या 4 घंटे के ऐड है, और 20 घंटे कोरोना लग गया, कोई और लफ्ज ही नहीं है। निकलो उस चीज से, लोगों को आपने आप पता है लोगों को डिप्रेस कर रहे हो, लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। और मैं इमरान खान का कोई हामी नहीं हूँ पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन आप हमारे कराची में खास तौर पर पंजाब की बात नहीं कर रहा, कराची में हमारे जब आप गरीब इलाकों में जाएंगे तो एक घर में 9-9 लोग एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, किस तरह सोशल डिस्टेंस होगा? लोगों को निकलने दें, लोगों को काम करने दें, हाँ अपनी हिफाजत सब अपने करेंगे, बाकी हम अब तो बच्चा बच्चा समझ गया है कि हाथ धोने, ये सफाई करनी, ये सारी चीजें करनी है। सिर्फ आपने जो बड़ी चीजें उनको आपने बंद किया हुआ है और
आप मेरे साथ चलें, मुदस्सिर कल आइए मेरे साथ, मैं आपको, क्योंकि मैं रोज कब्रिस्तान में वाले कब्र पे रोज जाता हूँ 3 साल से। बिलीव करें कि जो छोटी जगह है वो ऐसा चल रहा है कि वो किसी को पता ही नहीं है। और मैं आज आपके जरिए एक और बात बता रहा हूँ, जिनको आप ये तनख्वाहें दे रहे हो, जो कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन लाए, इनकी तनख्वाहें बंद कर दो, फिर मैं देखता हूँ लॉकडाउन कितने दिन बंद करते। आज एक मर्द बनिए, सबकी तनख्वाहें बंद कराओ, जिनका जो धंधा चल रहा है धंधा बंद कराओ, ना करें। बहुत आसान है घर में बैठ के कि लॉकडाउन में रखो, लॉकडाउन रखो तो फिर खाना पीना भी दें। देखें अगर अमेरिका कर रहे हैं तो पैसे भी दे रहे हैं, हमारे पास क्या चीज है, किसके पास हम क्या देंगे। आप मेहरबानी करके लोगों के लिए सहूलत पैदा करो, सियासत चलती रहेगी, सब होगा, सब होगा। आप यहाँ बैठे, मैं भी बैठा हूँ, सिंध हुकूमत भी बैठी है, पंजाब हुकूमत भी है, फ्रंटियर भी बैठे, सब बैठे, कहीं नहीं जाते। इस वक्त कोरोना से निकलना है, और कोरोना के लिए भी एक मैंने मीडिया कहा कि आपको पॉजिटिव दिलाओ। शुक्र है कि शुरू में आपने ये, मैं ही शुरू में उठा हुआ था, हर जगह इंटरव्यू देता था कि कोरोना से लड़ना है, लड़ाई नहीं होती है। उसमें शुक्र है कि अब आपने स्लोगन चेंज हो गया कि जी बचना है। तो मेहरबानी करके आप जो जिसको ज्यादा शौक है तो उसको जरा उनकी भी तनख्वाहें बंद करा दो, ताकि किसी को कुछ ना मिले ना। आप आ जाओ ना जीरो, हम आपने क्या कि हमको पकड़ा हुआ है, बाकी लोगों को छोड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। और कब तक, एक टाइम होता है, टाइम होता है, तरीका होता है। अभी भी आप मेहरबानी करके, जो मेरे अरबाब इख्तियार से कोई झगड़ा नहीं है, ना मैं झगड़ने वाला आदमी हूँ, बैठ जाऊंगा आराम से बैठे में, जितने मेरे अंदर ताकत होगी अपने एम्प्लॉय को हम संभालेंगे। लेकिन कब तक, एक तरीका होता है, आप इसको जिद का आना का मसला ना बनाए, इसको आप देख लें। हमारी SOP आप हमको दो, अगर वो ना पूरे, मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, मुदस्सर आप आइएगा, एक वीडियो आप बना लीजिएगा, इस शोरूम के साथ मेरा सुपर मार्केट है, ईस्टर्न सुपर मार्केट के नाम से। आप बिलीव करोगे, जब मैं एक दिन आया तो लोग लाइन में लगे हुए थे धूप के अंदर, तो हमारे पास यहाँ डाइनिंग है 100 लोगों की, तो मेरी चेयर्स पड़ी हुई, मैंने चेयर्स रखवाई कि मुझे रोना आया कि ये लोग गरीब पैसे दे रहे हैं मेरे को और लाइन में खड़े हैं। आज आपको मैं दिखा सकता हूँ वीडियो पे जाकर, कि हम फोन लेके जाओ तो लाइन से लोग बैठ के इज्जत से अंदर जा रहे हैं, हमने डिस्टेंस भी रखा हुआ है उसको। सर मैंने सुपर स्टोर के बाहर देखा है, मेरा वजन हुआ है वहां से, तो एक छोटा सी शिपिंग अरेंजमेंट है, तो हमारा 8,000 गज पे पूरा डीलरशिप बनी हुई है, 8,000 गज का पूरा 2 बंगले 4 बिल्डिंगे बन जाती है, हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है, हमने सफाई सुथराई रखी हुई है। आज कोरोना के लिए नहीं, शुरू से, क्योंकि जापानी ने हमारा स्टैंडर्ड रखा हुआ था, उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं हम। एक वाहिद चीज है टोयोटा की डीलरशिप है, या जो भी हमारी कुछ होंडा सुजुकी वाली भी है, वो हम स्टैंडर्ड मीट करते हैं वर्ल्ड ओवर, और वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड वाला हमको आके अवार्ड देता है कि आप हमसे ऊपर हो। तो कभी कभी भाई घर की मुर्गी की दाल बराबर मत समझो, है हम लोग, अल्लाह का फजल है, आप आओ। और ये नहीं है कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के ना, आप अपना बंदा भेजो, आप डीलरशिप में देखो, मैं गुजरता हूँ बाजारों में देख रहा हूँ, मैं रोजी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की रोजी, लेकिन बाजार में सारा मैकेनिक बैठा हुआ है और वो सबसे ज्यादा गंद डाल रहा है, क्योंकि अगर वो गंदगी में बैठा है उसको बीमारी लग सकती है। आप मेरे मैकेनिक ग्लव्स पहने हुए साफ सुथरे मास्क लगाए हुए होते हैं, हम बैठे हुए, हम बंद पड़े हुए, और जो बाजार में जितने लाइन से तारिक रोड हो गया, मेरे शोरूम के बाहर भी लाइन आप देख लो, और ये गलियों में वर्कशॉप सब खुले हुए, तो फिर हमें बता दो कि कोई और बंदोबस्त करें, निकल जाए, क्या करें। क्योंकि मुझे आज उम्मीद थी, आज मुझे उम्मीद थी शाह साहब मुराद अली शाह साहब के, मैंने शायद यूं करते कि ये बोल रहा हूँ, और ये मेरे सारे भाई ये जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मैं खुद जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहा कि जो करना है भाई करो, लेकिन बस कर हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और मीडिया के जरिए, आपके जरिए मीडिया को बोल दो कि जरा टीवी पे कुछ और दिखाना शुरू कर दो, नाते दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, हर वक्त कोरोना कुछ नहीं है मेरी जान, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए थे जून 2018 से लेके 2019 के मार्च तक, वो तकरीबन 1,60,000 थे, और जो 2019 से लेके 20 तक हुए हैं वो तकरीबन 85,000 है। तो मतलब आप लोग तो वैसे ही प्रोडक्शन के अंदर और सेलिंग के अंदर 50% रिड्यूस हो चुके हैं, और मार्च से जिस दिन के अंदर कोरोना स्टार्ट हुआ था, 14 मार्च से आप लॉकडाउन की सूरत हाल में, तो आप लोगों की तो बहुत इन्वेस्टमेंट होती है गाड़ियों पे, बुकिंग्स होती हैं। अच्छा, जब पीछे से प्लांट बंद होगा, डिलीवरी क्या होगा, अच्छा लोगों के जो सर्विसेज के गाड़ियों के मसाइल है, वो सब इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे, वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेस का मॉडल ही क्लैप्स होने के दर के ऊपर है इन सूरत हाल में। देखें, एक तो हमारी प्रोडक्शन जो है, जैसे मैं आपको 3 महीने 4 महीने की मिसाल देता हूँ कि जनवरी अप्रैल टू जनवरी 19 में जो 73,000 बनी है, और जनवरी अप्रैल टू ये जो कोरोना में हम लोग हैं 4 महीने,
आई थिंक स्क्रीन सर आपको आवाज आ रही है जी जी सर आपकी वॉइस मिस हो रही है ऑडियो ऑन कर लिया सर शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही बोले नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही आपको लेफ्ट करके वापस आना जी शिरीन तो शिरीन ये एक ओवरऑल सूरत हाल है आपके सामने एक ऐसा शख्स जो 4 साल से इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है कराची का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर जो है वो रन करें डीलरशिप है उनके पास टोयोटा की हजारों के करीब कराची वालों को अपनी टोयोटा की गाड़ियों से सर्व कर चुके हैं लेकिन आज जो है वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने 300+ एम्प्लॉइज को लेके चल रहे हैं वो भी लेके चल रहे हैं पीछे उनकी जो फैक्ट्री है टोयोटा वो भी अपने साथ है एम्प्लॉइज को एसोसिएट करी उन्होंने इंडिकेट किया था कि अबव 3 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से वाबस्ता है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता एक बहुत बड़ा सेक्टर सेगमेंट पहुंच रहा है ईशान साहब आपको आवाज आ रही है बीच में कॉल आ रही थी मेरे दोस्त कॉल करते हैं मसला सर में मेरा सर ये लॉकडाउन में टेम्पो तोड़ दिया मैं ये कह रहा था कि जो हमारी सेल 65% कम हुई है गवर्नमेंट को नुकसान है प्लस अब आपकी गाड़ी खराब हुई फर्ज करें आपकी गाड़ी खराब होती है तो क्या करेंगे एम्बुलेंस हैं सब हमको फोन करते हैं हम एक लॉयल सिटीजन की तरह लॉ का ख्याल करते हैं मैं नहीं खोल रहा हालांकि मुझे गुरू नहीं कर रहा इतनी मेरी ताल्लुकात है कि मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मैंने लॉकडाउन होने से पहले शोरूम और स्टाफ बंद भेज दिया था कि वो मुझे अपने स्टाफ की देंगे ज्यादा दी थी लेकिन अब बहुत हो गया देखिए किसी गाड़ी खराब हो गई वो करेगा क्या रोड मैकेनिक क्योंकि हमारी जो इस वक्त गाड़ियां आ रही है वो सारी इतनी लेटेस्ट है कि जिनके लिए हमने मशीनें लगाई करोड़ों की मशीनें लगाई हुई है वो एक आम मैकेनिक मुदस्सर जैसे आपकी गाड़ी है उनकी गाड़ी हो तो नहीं बना सकता लेकिन कब तक आखिर ये पहिया चलेगा तो काम बनेगा ना लेकिन मुझे ये समझ नहीं है चले आप डीलरशिप गाड़ी बेचने का ना हो हमारी डीलरशिप भी इतनी बड़ी है कि हमसे आदमी अगर हो तो आप तो 6 मीटर बोल रहे हो 60 मीटर भी दूर खड़ा कर सकते हैं आदमी को हमारी जो वर्कशॉप की ये है वो 18x18 की एक गाड़ी की से बड़ी मतलब गाड़ी भी खड़ी हुई उसके अंदर आदमी हमसे 2-2, 4-4, 8-8 फीट दूर होता है कि मैकेनिक एक गाड़ी के ऊपर होता है वॉशिंग का उससे ऊपर हिसाब है सारा ग्लव्स वो पहनते हैं रह गया मास्क वो पहना देंगे सब कुछ लेकिन आप आके मैं सिर्फ ये अपने ऑथोराइज डीलर के लिए कह रहा हूँ कि हमने हमारा कसूर क्या है आपको सबसे पहले हमको खोलना चाहिए आपने उठा के मैकेनिक खुले में सारे दुकान वाले मैं फिर भी उनकी रोजी रोटी खोल रहा हूँ अल्लाह करे वो कमाए मैं तो कह रहा हूँ उनका अच्छा है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन ये कब तक सारा पैसा इसी से आपको आता आपने एक्साइज बंद किया हुआ गाड़ी रजिस्टर नहीं हो रही किसी का ना गाड़ी ले सक रहा है ना कुछ ले सक रहा है और मैंने कहा गाड़ी कोई अयाशी नहीं है देखें शॉपिंग सेंटर हो गया वो चले अयाशी के लिए आदमी घूमता फिरता है और ज्यादातर मैंने देखा है कि 10% लोग 5% खरीदार होते हैं और 95% विंडो शॉपिंग हो रही होती है तो मैं माफी के साथ आप लोगों का तो सारा काम खराब हो गया खवातीन का कि वो जो आप घूमना फिरना था वो बंद हो गया और रहा ये बहुत बात कि हमारे यहाँ शादियों का जो रिवाज है शादी का देखें ये इस कोरोना ने हमको बहुत अच्छे अच्छे सबक सिखाने शुरू कर दिए मैरिज हॉल वालों से भी एक गुजारिश है कि जब हम इंशाल्लाह खैर से खुलेंगे और सब खत्म होगा अच्छे दिन आएंगे घबराने वाला नहीं है ये इमरान खान वाला घबराना नहीं है मैं दिल से बोल रहा हूँ घबराएंगे नहीं हम लोग ना घबरा ईमान मजबूत है हमारा शादियाँ जिस तरह लाहौर में था कि 9 बजे ख़त्म मेरी हुकूमत सिंध से बल्कि सियासत अगर करनी है तो इस वक्त आप ये ऐलान कर दो कि जब हम खुलेंगे तो हर चीज़ 9 बजे बंद होगी मैं दुनिया घुमा हुआ हूँ सारे मुल्क कोई मुल्क मैंने छोड़ा नहीं है 6 बजे के बाद कोई शॉपिंग सेंटर नहीं था उल्लू बोल रहा होता है हमारे यहाँ मामला खुलते ही 4 बजे तो आप जो करना है आप सख्ती करो और ये याद रखिएगा इस सख्ती को आप एक बेस बना लेंगे बेस बनेगा तो काम बनेगा लेकिन अगर आपने उसके बाद फिर खुला छोड़ दिया और मेरे इतने ताल्लुकात आपसे दोस्त भाई है सारे मेरे मैं आपको सिर्फ याद दिलाता रहा हूँ कि वो क्या हुआ तेरा वादा आपने एक बड़ा बेहतरीन पहलू की जानब इशारा किया है कि हमारे यहाँ कारोबार खुलता ही एक्चुअली कारोबारी जिंदगी शुरू होती ही शाम 4 बजे के बाद है इस पे जब मैंने खुद ने भी एक डॉक्यूमेंट्री की थी और राय थोड़ी सी जब मैंने जानने की कोशिश की थी तो सुनने को मुझे ये चीजें फीडबैक के तौर पर मिली कि हमारे यहाँ जब तक ये स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है ना तब तक हम अर्ली मॉर्निंग यानी कि आफ्टरनून से पहले हम कारोबार करना सोच भी नहीं सकते
एक ये बहुत बड़ा फैक्टर कारोबारी हजरात की जानिब से सामने आ रहा था उस वक्त भी, आपको लगता है कि ये एक वैलिड रीजन है जिसकी वजह से हमारी ये जो कारोबारी जिंदगी है इसको ये इस हद तक जो है वो मुतासर हुई भी है? देखें श्री, इसमें बाजार जो खुलता है, हमारी डीलरशिप का मैं बता दूं कि जब हम शुरू से 9 से 6 हमारा टाइम चेक कुछ हो जाए, हम अपने टाइमिंग पे चलते हैं, तो 9 बजे एग्जैक्ट, क्योंकि इससे पहले खुलना लोग इतनी जल्दी आ नहीं सकते, 9 से 6 हमारा भी था पहले। और इसमें हदीस भी है कि जो सोता है रोजी खोता है, हदीस है हमारे इस्लाम के अंदर। और सुबह जितनी जल्दी आप कारोबार पे आएंगे जल्दी जाएंगे तो देखें आप, एक और फायदा होगा आपको, ये जो मेरे दुकानदार थे मार्केटों के सारे, वो पहले फैमिली को टाइम, आज वो घरों में बैठे हैं तो बच्चे उनको, मेरे साथ कुछ को तो अपने बच्चों के नाम भी याद आ गए होंगे कि मेरा बच्चा है शायद, इसका बेटे का ये नाम है, उसको तो ये भी नहीं पता क्योंकि वो 11-12 बजे दुकान बंद करके आता था, मैरिज हॉल वाला 3 बजे आता था, और जब वो उठता था तो उसके बच्चे स्कूल जाते थे। आज के बाद ये इसका एक कानून बना दें कि अगर कोरोना हो या ना हो, टाइमिंग होगी 9 से 6, शादियों के लिए ज्यादा 9 बजे, मैरिज स्टोर आप खोल दें रात भर के लिए। सर, अगर आपके पास क्लाइंट कोई कोरोना का आ जाए तो वो आपके एम्प्लॉय के साथ जब अटैच होगा तो आपके बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा? अगर कोरोना का पेशेंट आ जाए, उसको खुद नहीं पता कि वो कोरोना ज्यादा है, वो आए, वो अपनी गाड़ी छोड़े, गाड़ी में के थ्रू या किसी भी थ्रू कैरी हो जाए कोरोना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपको? नहीं, जो कस्टमर को हमसे इंटरेक्शन नहीं होता, गाड़ी का होता है, गाड़ी को हम ये करेंगे कि इसको जब आएगा सेंट्रलाइज करके सारा इसको साफ सुथरा करके अंदर देंगे, और हम जो पहले भी गाड़ी करते थे तो उस पर हम अपनी अपनी जो हमारे एक कपड़े के बने चमड़े के वो लेदर बिछा के हम उसके अंदर सीटों के ऊपर, और बाकायदा हर चीज़ को हाथ लगाने से पहले बंदे ने ग्लव्स पहने हुए, सारे मास्क पहना हुआ है, वो पहले पहनते थे, आपसे नहीं, ये कोरोना से पहले था। और जो जो अगर ये हमें जो SOP देंगे कि गाड़ी जब आप हम इन करेंगे अपने पास तो उसकी हमने ये सफाई करनी है, हम सफाई करते हैं, क्योंकि हमारा बंदा उसकी सीट पे भी नहीं बैठता है, उसके हमने कुशन बनाए हुए हैं, हर चीज़ का कुशन है, बोनट के ऊपर भी साइड में कुशन रखा जाता है, किसी चीज़ से कोई चीज़ टच नहीं होती है। और हमारा ज़्यादा काम इसका जो जितना भी वर्कशॉप के अंदर है वो मैकेनिकल ही है, मतलब मशीनों से, बंदे का ह्यूमन बींग का काम बहुत कम रह गया है हर चीज़ के ऊपर। और रहा ये कि अब कोरोना को मरीज है तो मेरे को तो नहीं लगता कोरोना मरीज घूमता फिरता गाड़ी लेने आ जाएगा। हमारी तो बच्चों को खांसी हो रही तो डरता है कि मेरे ख्याल कोरोना तो नहीं हो गया। हम कौम बचने कौम जो है, मैं आपको बताऊँ, इतनी अवेयर है इस चीज से कि आप लोगों ने इसको इतना अवेयर सबको कर दिया कि घर में किसी को खांसी होती है, छींकता है तो भी टेंशन में आ जाता है। तो आप घबराए ना, आप लोग बहुत ज्यादा दिल हार गए हो, कोई ऐसी चीज नहीं है, मजबूत रखो अपने आप को, अपना ईमान करो। और हाँ, हम तो शुरू से नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज जो आप पढ़ते हो ना, इसमें आपका बहुत बड़ा कमाल है। और वुजू में रहे हम हर वक्त, अगर जैसे मेरी एक शुरू में नमाज के लिए वुजू करता था, किस उम्र में मैं हर साल जाता था, तो अब किसी ने मुझे बताया कि यार आप वुजू में क्यों नहीं रहते हो, मैंने कैसे, कहते यार जब आपको कोई वॉशरूम जाना है दोबारा वुजू करके आ जाओ। आप बिलीव करोगे मुदस्सिर कि मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन वुजू में हर वक्त रहने से एक मजा कुछ और होता है, और वुजू से जो है इससे कोरोना भागेगा। अब जिस जिन लोगों ने खौफ से नमाजें पढ़ना शुरू किए, उनसे मेरा एक अर्ज है, गुजारिश है कि नमाजें पढ़ो, कुछ नहीं होगा, और एहतियात अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दो। जैसे आपके सवाल पूछा था कि उसको कोरोना तो फिर घर में बैठ जाओ, बंद कर दो ना। ये सिर्फ वो लोग बात कर रहे हैं जिनके घर में खाना आ रहा है। Exactly. वो लोग मर रहे हैं, मरने वाले बोलेंगे जो, एक मिनट मैं आपकी बात, वो लोग मर रहे हैं, मर वो रहा है जिसको रोज की दिहाड़ी कर रहा है, या मेरे जैसा मेरे से मतलब मेरे जैसे लोग जिनको तनख्वाहें देनी है। आप इन सबकी तनख्वाहें तो बंद कराओ ना, फिर मैं पूछता हूँ लॉकडाउन कैसे चलता है, इन सब चीजें बंद कराओ। अच्छा शाह साहब, आप मीडिया को बंद करो, उसको बोला लॉकडाउन है, बैठो आराम से घर में, फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा किस तरह चलता है ना। हालांकि सलाह मेरे हो जाएंगे, हो जाए, जिसको मिल रहा है ना वो तो कहते हैं बंद ही रखो। फिर तो मीडिया के लिए इतने सारे एम्प्लॉयमेंट रोजगार हो जाएंगे ना। जो है वो आपको घर बेचने के चक्कर में के जाए, घर पे बैठे मीडिया बंद करे और घर जाके शाह साहब ने मुझे यहां से घर बेच देखें। आप भी घर पे बैठे हो, मैं भी घर पे बैठा हूँ, मुदस्सिर भी घर पे बैठा है।
बाकी सब स्टूडियो खुले में, उनको कोरोना क्यों नहीं होता है यार? ये कोई मखलूक उतरी भी है क्या चीज है? उनका बिजनेस ही बंद करो ना फिर, सबका बंद करो ना, हमको क्यों बैठना है? और जिनको पैसे मिल रहे वो बंद करो ना, सबके पैसे बंद करो, जो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कर रहे हैं ना, जिनके जो रास्ते सब, और मैं बता दूं सबका मुझे मालूम है क्या किसका क्या चल रहा है, जो बोल रहे हैं ना, जो कुछ बेचारे मेरे बिजनेस डरते हैं, मैं सिर्फ अल्लाह की जात से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता, समझे ना, जिसने जो करना है करे, लेकिन इंसानियत पर आ जाओ, खुदा का इंसानों का सोचो, इंसानों का मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, जब आपने बोला कि बेरोजगार दिहाड़ी वाले मजदूर वाले, हमारी कौम भी इस नेश तक गिरती है कि लोगों ने बेचा ले लिया और रोडों में बैठे बैठे, वो मजदूर नहीं था, वो दिहाड़ीदार नहीं था, वो लोगों का हक मार रहा था। और मैं आज आपको एक और आपके तसल से एक चीज बता रहा हूँ कि लिल्ला ये आप लोगों को जो एडमिट देते हैं ना मदरसे नाम बनाने के लिए, शायद मैं बुरा लगूं लोगों को, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में इतने लोग हैं, इतने लोग आप उनको दे सकते हो, लेकिन क्यों नहीं देते कि वहां पता नहीं लगे कि मुदस्सिर या इकबाल ने या शीरीन ने किसी को मदद की। वहां जाके दूंगा, चेक दूंगा, फोटो बनेगा तो पता है शीरीन बीबी ने, इकबाल बीबी ने, शाह और मुदस्सिर शाह ने कपड़ा काम किया। आपको अपना बताता हूँ, अगर मैं मालदार हूँ खानदान में, पूरा खानदान मालदार नहीं होता, 100 में से कुछ 2 लोग मालदार हो, 98 बिल्कुल सफेद पोश होते हैं। तो भाई नाम बनाने से बेहतर यह है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में और सबसे पहले अपने नौकरों को, हम अपने नौकर को 2,000 एडवांस देने को तैयार नहीं, शराब नहीं देते, लेकिन बेटा अगर मांगे 25,000 का खाना खाने के लिए बाहर ले जाएगा, उसके बर्थडे मनाने का 1,00,000-2,00,000 रुपये दे देगा। और खर्चे कम हुए ना, देखिए आज अगर किसी का 1,00,000 रुपये खर्चा था, वो ज्यादा होल्डिंग और दूसरे काम जो करता था वो सब बंद हो गया, आपका घर में आप बैठे हुए हो, लेकिन सिर्फ जो काम हो रहा है काम करने दे। और मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकडाउन ये 5 महीने के बाद वाला, मैं गवर्नमेंट के साथ हमेशा के लिए खड़ा हूँ कि ता हयात लग जाए इसको, 5 महीने मुझे कुछ नहीं चाहिए या 6 महीने के बाद। शादी का एक घरेलू मामला है, हमने शादी को भी इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि 3-3 बजे तक शादियाँ नहीं खत्म होती। मेरे दोस्तों का है, बिलीव करो मैं कहने शादी में कम जाता हूँ, जाता हूँ तो खाना पी के जाता हूँ, खाना वाना सब खा के जाता हूँ, जब खाना लगता है 1:30-2 बजे या 12 बजे तो बड़े से बड़ा आदमी जो खाने पर टूटता है, तो सब मुझे दूसरी नस्ल याद आती है, मैं इज्जतदार तरीके से जाके मीठे पे हाथ डालता हूँ। तो आप लोग शाह साहब आपके लिए एक सवाल आया, जी जी मुझे स्क्रीन पे शाह साहब सवाल लेना पड़ेगा, राहील मजीद साहब का इससे पहले एक कमेंट आया था हैदर अली शाह का, उन्होंने एब्सोल्युटली राइट और बड़ा आपको थैंक्स कहा था, थैंक यू अली हैदर कि आप हमारी ट्रांसमिशन को वॉच करें। राहील मजीद कहते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बंद करने का क्या तुक बनता है? इस पे तो शाह साहब ने वैसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू फरमाई दी है ऑलरेडी, आप मतलब एक यूजर को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि आपकी इंडस्ट्री को क्यों बंद किया जाए, आपकी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, ऑलरेडी एसओपीस पे करा है और वो भी दुनिया की हाईएस्ट एसओपीस क्वालिटी के हवाले से, जापानीज की पूरी दुनिया जापानीज मैनेजमेंट और जापानीज के बारे में मशहूर है कि वो सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, पूरी दुनिया में उनका कोई नेमुल बदल नहीं, एग्री, आप जापानीज सिस्टम को पाकिस्तान में ला के ऑलरेडी 30 साल से इम्प्लीमेंट कर चुकी, इसके बावजूद जापानीज सिस्टम भी नहीं चलने दिया जा रहा। देखिए मैं बताऊं, इसका सारा क्रेडिट जापान को जाता है, फिर सबसे पहले टोयोटा इंडस मोटर कंपनी को, जब 1990 में हम इंडस में हम लोग 6 डीलर बने थे, तो इन्होंने जब हमको ये कंसेप्ट दिया था तो उस वक्त मुझे हंसी, मैं अपना दिल बता रहा हूँ, हंसी आती थी, मैंने कहा यार ये काम हम करेंगे, चलो देते हैं देखा जाएगा, क्योंकि मैं पैदाइशी पहले सुजुकी सबसे पहला डीलर भी मैं था, मजा भी थी मेरे पास, और टोयोटा की भी हम पहले बने, फिर बाद में हमने दोनों छोड़नी पड़ी हमारे को, तो जो स्टैंडर्ड हमारा वाला है यही। और मजे की बात है कि ऑटोमोबाइल कमाऊपुर बच्चा है और साफ सुथरा काम है, ये कोई सब्जी की रेड़ी नहीं है। देखिए अगर शोरूम भी हमारे हैं, आप देख लें तारे रोड पे शोरूम है, तारे खालीगंज पे शोरूम है या एमएजी रोड पे शोरूम है, डीलरशिप को छोड़ के डीलरशिप तो बहुत हाई फाई है, वहां भी सफाई है, उसकी सफाई के अलावा अगर आप कोई हमको एसओपी उन शोरूमों में ले दोगे, क्योंकि वो जो मेरे शोरूम वाले भाई है वो तो हमारे पीछे लगे होते हैं ऑटोमोबाइल वाले, हमारे जो ऑटोमोबाइल के लिए खास, तो मेरा एक भाई है वो समझ गया जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो हर इंटरव्यू में उसकी रोजी सी पे चलती है, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपका बंद होना भी सही नहीं है, चाहे वो रिकंडीशन बेचता हो, तो गाड़ी एक साफ सुथरा काम है, ये कोई मुर्गी नहीं है, गोश्त नहीं है, टमाटर हरी मिर्च का गंदगी वाली जगह पे नहीं बैठा है, जो जो बैठा है उसकी एक एक दुकान 2-2, 5-5 करोड़ रुपए की छोटी छोटी दुकानें हैं और साफ सुथरा है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन डीलर की,
डीलर्स को तो आप भूल जाओ, ऑथराइज डीलर तो आपके इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, गुरूर ना है मेरे अंदर, लेकिन हमारा इतना साफ सुथरा है कि आपकी एसओपी बहुत पीछे रह जाती है, बल्कि शायद आपको हमारे से, मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे जो सूबाई हुकूमत है वो आए हमारे पास विजिट करें, मैं उनको तरीका बताऊँ कि एसओपी क्या होती है, हम अपना स्टैंडर्ड दिखाता हूँ मैं उनको, वो मुझे क्या सिखाएंगे, लेकिन हम, मैं भी चुप हूँ, कब तक ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कब तक ना करें इतना जुल्म ना, और ये तो आप लोग भी बोलेंगे कब तक होगा, देखा जाएगा, सिर्फ ये उसी दिन खत्म होगा जिस दिन सबके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाह साहब, आम आदमी ये सवाल कर रहा है, विश हरारकी को भी ये चीज, हायर मैनेजमेंट को भी ये चीज समझ आ सके। इजाज शाह का जो है वो कमेंट शामिल करेंगे, वेल डन वेल स्पोकन वर्ड्स शो एज अ सिंसियर सिटीजन ऑफ अ सिटी ऑफ कराची। शाह साहब आपके लिए ये नेक नियति पैगाम इजाज शाह साहब की जाने से सामने आया। एनीवेज शाह साहब, बड़ी एग्जैजरेटिंग सिचुएशन है, जाहिर गुस्सा भी हो गया बीच में आप, तो मैंने कहा सोचा थोड़ा सा लाइटर नोट पर आपसे एक सवाल कर लिया जाए। Mashallah, now you're working as a chief executive officer. What was your dream, like first car you purchased? Ya phir aapke dream ke mutabik wo kaun si, like you dreamt to purchase any car? नहीं मैं समझ नहीं, आपको दोबारा रिपीट है सवाल, जो आवाज जरूर, मैं आपसे जानने की चाह रही हूँ, एक लाइट नोट पर सवाल ये है कि माशाल्लाह अभी तो आप एक एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पहली गाड़ी कौन सी परचेज की थी, और या कौन सा ड्रीम था क्या जिसने पहली गाड़ी देखें? एक तो मुझे अपने आप को मालिक बोलते खौफ आता है अल्लाह से, क्यों मैं मालिक नहीं, मेरे सारे मेरे एम्प्लॉय मेरे मालिक है मेरे साथ है, मेरी एक टोयोटा ईस्टर्न ये है, टोयोटा यूनिवर्सिटी मोटर और ईस्टर्न सुपर मार्केट भी है, बाकी सुपर मिल के नाम से बाकी अल्लाह करम है। शुक्र यह है कि 500,000 लोगों के हम लोग खानदानों को पलने का आसरा बना हुआ है, ठीक है, और मैं लो प्रोफाइल रहता हूँ, उसी करोला में घूमता हूँ, क्योंकि अगर मैं करोला में जो बेच रहा हूँ वो मैं खुद नहीं चलाऊंगा तो आप मुझसे कैसे खरीदेंगे। और एक मुहावरा है पश्तो में कि बड़ी गाड़ी में घूमने से आदमी बड़ा नहीं होता है, मैं जब जा रहा हूँ तो मैं छोटी करोला में जा रहा हूँ, जो इज्जतदार आदमी होगा ना एक हल्का सा हाथी रखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन कमजोर ने मेंढक रखा हुआ दिखा रहा होगा कि मेरे पास मेंढक है। तो ये जो बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते हैं ना अपने पीछे लोग, ये चौफर और ये लेके भागे, उनसे पहले मेरा आपको एक और एडवाइस दे रहा हूँ जो मेरे वालिद ने सिखाया है, जब आपको लगे कि एक गाड़ी पे पांच गाड़ी और उसके गार्ड बैठे हुए, उस आदमी से दूर रहना भाई, ये मैं आपको मशवरा देना एज ए बिजनेस मैन, उससे बिजनेस ही मत करना, घबराना जो शो ऑफ कर रहा है, और ये शो ऑफ वाले जो होता है ना ये ज्यादा समझना होता है, मैं श्रीनिधि का भी आइएगा आप देखिएगा, हम लोग शो ऑफ वाले नहीं है, दरवेश मलक लोग हैं, और मैं सिर्फ काम करता हूँ अपने एम्प्लॉय का, इस वक्त मेरे एम्प्लॉय का क्या होगा कि मेरे में मैं कोई, और अल्लाह करे आतम तक रात वैसे उठो कुछ आ जाए मेरे पास, मैं भी जो आज लॉकडाउन की बातें करें इनका कैसे आ रहा है पैसा, ऐसा मेरे पास भी आना शुरू हो जाए तो मैं भी बोलूंगा यार लॉकडाउन ही रखो आराम से बैठे रहो। अच्छा जी शाह साहब ये बताइए कि कोई चांस ऐसा हो सकता है कि जो सेल एंड परचेज के काम है वो ऑनलाइन शुरू कर दिए जाए गाड़ियों के? देखिए गाड़ी में ऑनलाइन होना मुश्किल है ना, देखिए ऑनलाइन में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है पेमेंट आई ऑनलाइन वो आ नहीं सकती, वो फिजिकली हमारे पास रहेगा, हम उसको बैंक में ड्राफ्ट जमा करेंगे, ठीक है डिलीवरी लेने वो खुद आएगा, ऑनलाइन आ नहीं सकता, इंडस से गाड़ी बनेगी। अच्छा रहा इंडस का, आप यकीन मानो इंडस का इतना हाई फाई है कि टोयोटा के जितने प्लांट दुनिया में लगे हुए हैं उसमें इंडस पहले दूसरे तीसरे नंबर के अंदर आता है, सफाई के हिसाब से भी और मॉडर्नाइज के हिसाब से, मॉडर्न जो हुआ है, और हम इतने एडवांस है, देखिए अब हम 2 महीने से बंद है शरीन, लेकिन आपका अगर जिस दिन हमको ये बोलते हैं खोले तो 24 घंटे के अंदर हमारा प्लांट चल पड़ेगा माशाल्लाह, इंडस की बात कर रहा हूँ मैं, टोयोटा इंडस मोटर हमारा, और 36 आवर के अंदर हम गाड़ी प्रोडक्शन हमारी निकल आएगी। तो जो चीजें साफ सुथरी है और आज से नहीं है जमाने से वो क्यों बंद है आज, इसको आप ही सोशल मीडिया पे, इसको आप सोशल मीडिया पे उठाओ, क्योंकि मैं हम अपनी आवाज देखें कमाई का, अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो पहले तो देखें अगर बाप दो बाप बेटे बैठे तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप 300-400 लोगों लेके चल रहे हैं ठीक है, तो आप भी कहीं अगर किसी के एम्प्लॉय हो तो फर्क पड़ता है आदमी को कहाँ से लाएगा, घर की तो अब दूर की बात है, हम माशाल्लाह बड़ी फैमिली है ज्वाइंट फैमिली है, वो तो मेरा अलग मसला है, वो रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन इसके लिए हुकूमत से फिर मैं बोलूंगा कोई लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर आ जाओ, और रहा ये जब हम खुल जाए तो जो हमारी ड्यूटी वाला काम है इसमें आप अभी 40% से मेहरबानी करके कमी करो, और हमारे मैक्यूर से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जापान में सुनने में आए पता नहीं सही है गलत है कि जो वहाँ गाड़ियाँ हैं वो आधे रेट पे आ गई हैं, तो मैं भी अपने इंडस्ट्री यहीं से ऐसी
चैनल पे आप इंडस्ट्री भी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने से और बाकी होंडा वाले अपने करें सारे डिस्ट्रीब्यूटरों से कि मेहरबानी करके आप भी टीएमसी से बात करें कि वहां से प्राइस कम हो। इस वक्त कोरोना से लड़ने के बाद मैं बताऊं मुझे सबसे ज्यादा डर क्या है, आफ्टर कोरोना क्या होगा। मैं अगर फर्ज करें 200 गाड़ी बुरे हाल में भी 100 पर आ गया था, 100 गाड़ी के ऊपर पहले 300 महीने की बिकती थी, अब 100 पे आया था। आफ्टर कोरोना 20 गाड़ी बिकेगी कि नहीं बिकेगी? वर्कशॉप में हमारे 40 गाड़ी आती थी रोज की, 50 गाड़ी फर्ज करें, अब कोरोना के बाद कितनी आएगी? तो पहले हमें खुलने तो दे, पता तो लगे, ये ना हो कि हम जंगी लग जाए सब गाड़ियां। और लोग, मैं बताऊं बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई, जितना बढ़ाओगे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो आप में हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप सिर्फ ये देख लें कि कौन सी जगह साफ है। आपको तो आप हर एक को एक लकड़ी से आंक रहे हो और मुझे हंसी आ रही है, गुरूर नहीं कर रहा हूं कि मुझे कौन सी ऐसी, आप मेरे पास बैठो तो सही, मैं जोड़िया बाजार का दुकानदार थोड़ी हूं यार। हो सकता है आप हमारे यहां से हमसे अच्छी चीजें ले जाओ, और मैं यकीन से कहता हूं कि आप, हम आप आएंगे हम आपको बता देंगे ये चीज आप लोगों से करा दें। वरना सिंपल ईस्टर्न सुपर मार्केट आके देख लो, सब कराची की सारी मार्केट है, और एक मीट मार्केट आके देखो छोटी सी 800 गज के ऊपर है, ऊपर नीचे में लागे, लेकिन स्टैंडर्ड उसका बहुत बड़ा हाई किया हमने सफाई के हिसाब से। मेरे सारे गार्ड पख्तून है, मैं खुद पख्तून हूँ, बाड़ा साहब एजेंसी से, लेकिन मेरे फादर 56 से आए हुए, हम पुराने कराची ले रहे, वो पख्तून सारा समझ गया किस तरह हाथ धुलाना है क्या करना है, उसको स्प्रे करता हैरान कर। और अभी मैं उस दिन मेरा जो गार्ड है उसको मैंने बोला, वो जैसे हम वीजे के लिए जाते हैं ना वहाँ के जेरीज मेरीज में गार्ड वार्ड कहते हैं आप लाइन से, वो भी पकड़ता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं यू जाओ, मैंने उसको बोला आराम से इन्हीं के जरिए तुम खाते हो, तुम्हारी तनख्वाह इनसे आती है। सही सही, अच्छा सर आपके लिए कमेंट, अभी बड़ा जबरदस्त कमेंट आया था, और शायद आपकी बात को जो सुन रहे थे ऑडियंस उन्होंने बिल्कुल उसको सम अप किया। मिशाल ने कमेंट दिया था, जो कि उन्होंने कमेंट किसी के बिहाफ, रुबीना के बिहाफ पे लिखा था, डॉक्टर रुबीना, उन्होंने सिंपल सम अप ये किया कि अगर ये पहिया नहीं चलेगा तो जिंदगी का पहिया कैसे चलेगा। ये मैं इनकी बात को आगे करता हूँ कि ये मेरे, मैंने खुद भी पहले भी बोलता हूँ, पहिया की गाड़ी गाड़ी नहीं है, देखिए पहिया चल रहा है, पहिया जब चलता है तो सबको लेके चल रहा है मुदस्सर। आप अपने ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, डॉक्टर जा रहा है, सब जा रहे हैं, पेट्रोल डल रहा है, और मतलब ये गाड़ी सारी दुनिया को लेके घूम रही है, और जो सड़क पे जो भी जा रहा है वो बगैर, अच्छा अगर आज हम ये गाड़ी का मामला ही खत्म करना है तो फिर उसका तो पत्रों के दौर में आप आ गए ना, सड़क का आप लोगों को फायदा नहीं है। और ये गाड़ी कोई मैं फिर कह रहा हूँ अयाशी नहीं है, देखिए सर्विस कोई अयाशी नहीं है, आप चले शॉपिंग सेंटर बंद कर दें, आप फर्ज करें सीधे आपकी गाड़ी खराब हुई आप क्या करो, और अभी रिसेंट मॉडल ही है उसके अंदर स्क्रैचेस आए हुए, इंश्योरेंस वाले से मैंने कोविड से पहले सर्वे करवा लिया, उसने कहा आप किसी भी टोयोटा के डीलर के पास चले आइएगा और ये आपकी रिपेयर होगी। सर डीलर खुलेंगे, सर्विस सेंटर खुलेंगे तो मैं सर्विसेज दूंगा ना, आप लोग सर्विसेज दे नहीं रहे, हम सर्विसेज ले नहीं पा रहे, पूरा बिजनेस रुका है। देखिए वही बात है ना, बाकी दुकानदार हम नहीं है, तो जब गवर्नमेंट बोले कि बोलेंगे, वरना आप जैसे मेरे दोस्त हो आपको मैं बोलूँ कि जाओ मेरी गाड़ी में ठीक करा सकता हूँ गाड़ी, लेकिन मैं खुद जान बूझ के हम ये काम नहीं कर रहे ताकि कोई बात उठाने वाला बने ही नहीं ना। देखे मैं चोर नहीं, मैं चोर रास्ते से आऊंगा ही नहीं, जितने अंदर मेरे अंदर ताकत होगी बर्दाश्त करूंगा, नहीं होगा तो बैठ जाएंगे सोएंगे ना। सर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रास्ता किया आपसे इस हवाले से, आप और आपके डीलर से? रास्ते में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी भी एसोसिएशन, हमने उसको लेटर लिख दिया सारे जो इनके गवर्नमेंट के करता धरता है, ठीक है ना, ये हमसे मीटिंग करेंगे, बात करें हमारे पास आके, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ड्राइंग रूम मीटिंग ना हो, ड्राइंग रूम बैठ के कुछ नहीं होता है, अब कल चाय वाय तो है नहीं रमजान है, लेकिन वो शायद वो सेनेटर से हाथ बात धो रहे हैं ना, ये अब कानून शुरू हो गई, दो सेकंड का तो हाथ साफ करते हैं। सबसे बेस्ट ये है कि हमारे पास आए आए मेरी जगह देखिए, यहाँ मीटिंग कर रहे हो, आओ मेरे पास मीटिंग करो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या काम होता है। बिल्कुल देखिये वहां मैं झूठ बोल सकता हूँ, श्री नाचने की बात नहीं, वहां मैं झूठ बोल लूंगा कि मेरे पास ये है, आप मेरे पास आओ, एक मेरे पास ना हो किसी भी एक डीलर पे आके हम मीटिंग वहां रखते हैं, आप गवर्नमेंट वहां आ जाओ हमारे साथ बैठो और हमारे स्टैंडर्ड देख लो, आपके पास बात ही खत्म हो जाएगी ना, आप बोलोगे कि हमने बेवकूफी क्यों की,
अपना घर कोई नहीं दिखाता, मैं कह रहा हूँ मेरे घर आके देखो, मेरे घर में बैठ के मुझसे बात करो ना, ये गलत है सही है सर इंशाल्लाह। में बैठ के कुछ नहीं होता है, सैनिटाइजर से हाथ धोने से कुछ नहीं होता है सर इंशाल्लाह। हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए और ऑटोमोबाइल के जितने भी अफराद हैं, क्या आपने हमें बताया कि 3 मिलियन से ज्यादा लोग इससे वापसता है, दूसरा पंजाब के लिए अलग रूल्स हैं, सिंध के लिए अलग रूल्स हैं, इसको खत्म होना चाहिए। कराची के ऑटो डीलर्स को, तमाम डीलर्स इररिस्पेक्टिव होंडा हो, सुजुकी हो, टोयोटा हो, सबको जो है बिजनेस करने का मौका दिया जाए, वेंडर्स की फैक्ट्रीज खोली जाए, और इसके अलावा टोयोटा के और सुजुकी के जो प्राची के प्लांट है या आईसीयू का है, आपके पास फिनो पार्क है, ये सब ओपन होने चाहिए। तो हम इंशाल्लाह आपका भरपूर साथ देंगे, और इसके अंदर भी जिस जगह पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे जो दूसरे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको जहमत दी जाए, और इंशाल्लाह जहां तक हो सके हम इस जो ओपन करवाने में गवर्नमेंट के एसओपीज के अंदर कामयाब हो सके, हम कोशिश जरूर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मैं बता रहा हूँ मेरी बातें किसी को सख्त लग रही हूँ गवर्नमेंट को, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, इस पे आप आ जाएं। और रिगार्डिंग मैं टोयोटा होंडा सुजुकी डीलर की एक आखिरी बात फिर बोल देता हूँ, हमसे अगर मीटिंग करनी है आप हमारे यहाँ के करके देख लें, ताकि आपको पता लग जाए, वहाँ हम आपसे बात करें आपको समझ नहीं आएगा। ये भी मेरे दिमाग में, ये कोई प्लान नहीं थी, बात अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, और इसमें से जो कमेटियाँ बैठे हैं वो मेरे और दो तीन मेरे दोस्तों के सारे दोस्त भी हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि एक बादशाह कौन है और क्या चीज़ क्या काम करता है। लेकिन चलो अल्लाह मालिक है, अभी वक्त पड़ा, दिन बढ़े कभी हाथ पड़े, कोरोना से निकल जाएंगे। लेकिन फिर मेरा जी शील, कैसा लगा आपको आज के कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना के बाद ये लेट सिटिंग खत्म, कारोबार की 9 बजे कारोबार खोलें, 6 बजे कारोबार बंद करें, अपने बच्चों में जाएं, कब कब करें, मजे करें। और ये रात वाला कहानी, कई सुपर मार्केट है दुनिया कहीं नहीं खुली होती है, सिर्फ हम पाकिस्तान था या इंडिया था या जो भी बांग्लादेश ये करते थे, बाकी दुनिया में कहीं नहीं होता था। और फिर मैं आखिरी सब आपके लिए नए ख्वाहिशात, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सिर्फ अगर इसको हम घबराहट से निकल आए ना, सिर्फ घबराहट है और कुछ नहीं है, और हौसला रखें, और दुआएं, दुआ जो है ना, दुआ में बहुत असर है, लड़ना नहीं है, अगर हम ये समझते हैं कि लड़ने, दुआ 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 करेंगे सब सही हो जाएगा, और पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को, प्यारा पाकिस्तान, आपको पता है मेरा स्टेटस भी आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, कहीं मैं पाकिस्तान के बगैर हिल ही नहीं सकता, और पाकिस्तान है तो मैं हूँ ना, पीपल्स पार्टी है, मेरा पाकिस्तान वही खड़ा हुआ है, वही खड़ा रहेगा, जो भी कुछ कर ले, पाकिस्तान से बेहतर ना मुल्क है ना रहेगा। और देखें अब तो ये हो गया कि जो वहां बाहर रहता था वो कह रहे मुझे किसी तरह पाकिस्तान बना लो, अपनी मिट्टी अपनी होती है, इससे मत खेलो, इससे प्यार करो। क्या बात, जबरदस्त है जी शीरिन, कैसा लगा आज का ये इंटरव्यू आपको? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मसाइल तो उन्होंने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही हाईलाइट किए, लेकिन इस पूरे सेशन में खास बात जो इनकी मौजूदगी की रही है कि कहीं पे भी ये नहीं लगा, लिटरली ऐसा लगा कि एक सिटीजन के तौर पर उन तमाम मसाइल की निशानदेही करना एज अ सिटीजन, एज अ पेट्रियोटिक, तो बहुत कम मैंने जो है वो बिजनेसमैन इस तरह से देखे हैं जो बड़ी ही खरी और बड़ी ही सच्ची बात और सच्चा मौकफ अपना रखना पसंद करते हैं। We were really honored आपकी प्रेजेंस के हवाले से। जी मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, मैंने नॉर्मली बिजनेसमैन को बड़ी नपी तुली सियासतदानों से भी ज्यादा, क्योंकि बिजनेसमैन को एक फेयर होता है बिजनेस का, किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, बड़ी नपी तुली मैंने उनको गुफ्तगू करते हुए देखा है बिजनेसमैन को, लेकिन शाह साहब ने जिस वे में बातें बयान की वो लग रहा था कि कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं थी, बस एक दिल की आवाज थी जो कि निकले जा रही थी, ख्वाहिश ये थी कि हमारे हुक्मरान जो है उन तक उनकी आवाज पहुंचे, और जो आवाम और व्यूअर्स इनको सुन रहे हैं, जो इनके क्लाइंट है, क्योंकि ट्विटर की फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके अंदर एम्प्लॉइज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वेंडर्स हैं, और हम कस्टमर हैं, हम लाखों कस्टमर हैं जो ट्विटर की प्रोडक्ट यूज करें, तो ऑटोमेटिकली वी आर अ पार्ट ऑफ ट्विटर फैमिली, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए बस इनकी ख्वाहिश ये थी कि उनसे रब्ता क्रिएट कर सके। तो सर थैंक यू सो मच, इतने ज्यादा जब विशाल से मेरी बात हुई और विशाल ने कहा तो मुझे उम्मीद थी कि ऐसे ही इंटरव्यू होगा, और मेरी उम्मीदों से बहुत ऊपर का ये इंटरव्यू है, मुझे बहुत मजा आया आपका सेशन, और एक स्टोरी टेलिंग सेशन टाइप का चल रहा था जिसमें आप सुना रहे थे और हम सुन रहे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैंने लगता है आपका टाइम ज्यादा ले लिया था, दोनों का काम मैंने कर दिया है सारा।
अरे सर एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं हमारे पास कि वो इश्तेहार लेना है अच्छा सर मैं आपकी देख गुफ्तगू लूँ आपके काट लिए कोई तकलीफ है मुदसर भाई, आपके रेफरेंस से किसी को कोई तकलीफ हुई है तो मैं जो मेरे दिल में था वो अंदर बाहर एक ही है, किसी को अगर कोई सर सर बाहर बेहतरीन लगी है था। तो मैं उसके अरे नाम पर सर रिस्पॉन्सिबल जो से जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे ही असर करती है क्योंकि वो दिमाग से नहीं। ऐसे आपने कोई बात ना दिमाग से बोल रहे थे ना उससे कोई एडवांटेज, आप खुले आदमी थे मलंग आदमी थे, आपके जो दिल में था जो महसूस कर रहे थे आपने एहसास की चलिए तर्जुमानी की और ऐसे ही होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो अभी मच। तो इफ्तार बंद है वरना हम डेफिनेटली इफ्तार पे आपके पास आते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बहुत जल्दी हो इंशाल्लाह, जैसे ही बिल्कुल आपकी खुलेगा सारा तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा। बिल्कुल, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू सो मच शाह थैंक साहब, यू थैंक यू। जी।